दुनिया में घूमने के लिए खूबसूरत स्थल, धार्मिक स्थल, झील, झरना, पहाड़, रेगिस्तान के अलावा भी कई ऐसी जगहें हैं जिसे देखकर हम आश्चर्यचकित हो जाए, पर ऐसे अजीबोगरीब दुनिया की जानकारी नहीं होने के कारण हम यहाँ नहीं जा पाते और इस अचंभित कर देने वाली खूबसूरती ऐसे ही वंचित रह जाते हैं। तो आज हम आपको ऐसे जगह के बारे में बताएंगे जिसे आपने कभी नहीं सुना होगा। सोचिए, जिस जगह को सुना तक नहीं, यूस देखने में कितना मजा आएगा। क्या आपने कभी ऐसे घर की कल्पना की है जो कि पानी के ऊपर हो? शायद नहीं, पर दुनिया में एक ऐसी बस्ती है जो कि पानी के ऊपर बसी है, और वो भी प्योर 7000 लोगों की। यह है दुनिया की एकमात्र समुद्र पर तैरती हुई बस्ती जो कि चाइना में स्थित। ये बस्ती समुद्री मछुआरों की है जो टांका कहलाते हैं। टेंट कम्युनिटी चाइना तनक कम्युनिटी चिन चीन में कई सदियों पहले टांका कम्युनिटी के लोग वहां के शासकों के उत्पीड़न से सही इतने नाराज हुए कि उन्होंने समुद्र पर ही रहना तय किया था। करीब 700 ईस्वी ऐसे लेकर आज तक ये लोग न तो धरती पर रहने को तैयार है और न ही आधुनिक जीवन अपनाने को तैयार है। चीन के दक्षिण पूर्व क्षेत्र में करीब 7000 मछुआरों के परिवार अपने परंपरागत नावों के मकान में रह रहे हैं। ये घर समुद्र पर तैर रहे हैं। इन विचित्र घरों की एक पूरी बस्ती है। समुद्री मछुआरों की यह बस्ती फुजियान राज्य के दक्षिण पूर्व की निंगदे सिटी के पास समुद्र में तैर रही है। ये समुद्री मछुआरे टांका कहलाते हैं। टांका लोग नावों ऐसे ही बनाए घरों में रह रहे हैं, इसलिए उन्हें जिप्सीज ऑफ द सी कहा जाता है। चीन में 700 ईस्वी में तांग राजवंश का शासन था। उस समय टांका जनजाति समूह के लोग युद्ध ऐसे ही बचने के लिए समुद्र में अपनी नावों में रहने लगे था। तभी ऐसे ही इन्हें जिप्सीज ऑन द सी कहा जाने लगा और वह कभी कभार ही जमीन पर आते हैं। टांका जनजाति के लोगों का पूरा जीवन पानी के घरों और मछलियों के शिकार में ही बीत जाता है। ये जमीन पर जाने ऐसे ही बचने के लिए न केवल फ्लोटिंग घर बल्कि बड़े बड़े प्लेटफार्म भी लकड़ी ऐसे ही तैयार कर लिए हैं। चीन में कम्युनिस्ट शासन की स्थापना होने तक ये लोग न तो किनारे पर आते था और न ही समुद्री किनारे बसे लोगों के साथ विवाह के रिश्ते बनाते था। वे अपनी बोटों पर ही शादियां भी करते हैं। हाल के दिनों में स्थानीय सरकार के प्रोत्साहन मिलने के बाद टांका समूह के कुछ लोग समुद्र किनारे घर जरूर बनाने लगे हैं, लेकिन अधिकांश लोग अपने परंपरागत तैरते हुए घरों में रहना पसंद कर रहे हैं।